दोस्तों, मंगलवार का दिन मैं आपके साथ हूँ और आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप बहुत सी चीजें यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल पार्ट है हमारे बिजनेस का कि हम लोगों को प्लान कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो एक बार बढ़िया से स्माइल दे दीजिए, अच्छे से मुस्कुरा दीजिए। पूरा सुनते नहीं है ना, पहले से ताली बजाना शुरू कर दीजिए। पूरा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से करूंगा। एक बार ऊंट का जो बच्चा है, वो अपनी माँ से कुछ सवाल पूछता है। पहला सवाल पूछता है कि मम्मी मम्मी, भगवान ने हमें पीछे हम्प क्यों दिए? ऊंट के पीछे हम्प जैसा होता है ना, तो ऊंट की जो माँ है, वो बच्चे की जो माँ है, उसको जवाब देती है कि देखो, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में क्या होता है कि कई बार बहुत दिनों तक हमको पानी नहीं मिलता है, तो उस हम्प के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ऊपर वाले ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम 10 दिन, 15 दिन और उससे भी ज्यादा समय जो है वो पानी के बिना रह सकते हैं, क्योंकि हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल वो बच्चा पूछता है कि मम्मी मम्मी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारे पैरों के नीचे एक गद्दी जैसा क्यों बना है? दूसरे जानवर में तो नहीं है ये? तब उसकी माँ फिर से जवाब देती है कि हमारे पैरों के नीचे गद्दी इसीलिए बनी है क्योंकि रेगिस्तान में जो रेत है उसके ऊपर हमें चलना होता है, दौड़ना होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसमें हम आसानी से चल सके, हमारे पैर उसमें धंस ना जाए, हम फंस ना जाए, इसलिए ऊपर वाले ने हमें ये खूबी दी है कि हम रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सके, इसलिए हमारे पैरों के नीचे गद्दी जैसा दिया है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मम्मी, मुझे ये बताइए कि हमारी जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, आंखों के जो ये, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता इसका, ये इतने बाल इतने बड़े क्यों है जो आंखों के बाल? तो उसकी माँ कहती है कि जब रेगिस्तान में तूफान आता है तो रेत हमारी आंखों में ना चले जाए, इसीलिए ऊपर वाले ने ये हमें खूबी दी है। अब आखिरी सवाल वो बच्चा पूछता है कि जब रेगिस्तान में रहने के लिए ऊपर वाले ने हमें इतनी सारी खूबी दी है, तो हम इस जू में क्या कर रहे हैं? हम रेगिस्तान में क्यों नहीं है? और इस सवाल का उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, बड़ी सिंपल कहानी है ये। कहानी ये कहना चाहती है कि कई बार हमें लगता है कि हम कामयाब हो सकते हैं, हमें लगता है कि हम करोड़पति बन सकते हैं, हमें लगता है कि हम एक लीडर बन सकते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी जगह पे फंसे होते हैं, 10,000 की नौकरी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, या उसी दुकान पे बैठ बैठ के जहाँ पे हमारे पिता 20 साल बैठे, फिर हम भी 10 साल से बैठे, वो तो दुकान को हम छोड़ नहीं रहे, और उसी वजह से एक अपॉर्चुनिटी में जो ब्लास्ट हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बन सकता है, माई रिचार्ज में एक जिंदगी बदल सकती है, उसको जो है हम पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। वो ऊंट के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी कि वो रेगिस्तान में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मत से, वो एक जू में, पिंजरे में कैद था, तो वो सारी की सारी क्वालिटी उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो आपके अंदर भी बहुत सी क्वालिटी है कि आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कहीं आप भी उस ऊंट की तरह अपना समय गलत जगह पे, छोटी सी नौकरी में या छोटे से दुकान में या खेती बाड़ी में बर्बाद तो नहीं कर रहे? ये सवाल हमें खुद को पूछने की जरूरत है। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए हो सकता है कि हमारे कुछ साथी जो है, जिन्होंने अभी अभी मैरिज चर्च शुरू किया है, तो उनको बहुत से पॉइंट ऐसे लगेंगे कि ये तो मैं कर ही नहीं रहा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये क्या बात हो गई। क्योंकि आज जो प्लान का टॉपिक है ना, उसमें थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ। जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनकी बहुत सी मिस्टेक्स यहाँ पे उनको पता चलने वाली है कि भाई हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे थे। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति जो होता है वो अपने काम का महारथी होता है, चाहे आप किसी भी सफल व्यक्ति का नाम ले लीजिए, वो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड का मास्टर बना होता है, खास करके बेसिक चीजों का। अगर आपको बिल्डर बनना है, मान लीजिए एक सक्सेसफुल बिल्डर बनना है जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हो और बहुत बड़े उसने काम किया हो और बहुत बड़ा पैसा भी हो, तो आपको बेसिक जो चीजें हैं, ठीक है, बिल्डिंग लाइन की जो बेसिक चीजें, उसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो काम दूसरे लोग करते हैं आपके लिए, आप नहीं करते जब आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजों का ज्ञान नहीं है, तो जो नए लोग बिजनेस में आते हैं और जो आपकी टीम में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक बिल्डर है, आपको यही नहीं पता कि भाई बालू कितने का मिलता है, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, बिल्डिंग खड़ा करने में बेस कितना बनाना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता होगी तो लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे और आप बिजनेस में लॉस करेंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसके बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना जरूरी है कि कौन से सीजन में कौन सी फसल उगती है, कितनी बारिश गिरना जरूरी है, कब वहां से वीड्स हटाने, सब कुछ आपको बेसिक चीजें पता होना जरूरी है। अगर आप एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट की बेसिक मास्टरी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कॉमन नियम है कि
कि जो भी आप काम करते हैं उस काम में अगर आपको टॉप पे जाना है तो उसकी बेसिक चीजों को आपको सीखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ना सिर्फ सीखना चाहिए लेकिन उसमें मास्टरी हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे बिजनेस में मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में इस बात को लगभग हर बार ही रिपीट करता हूँ कि माई रिचार्ज में कामयाब होने के लिए, माई रिचार्ज में करोड़पति बनने के लिए आपको सिर्फ दो ही काम सीखने हैं। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे आप चाहे तो अपनी डायरी में भी इसको लिख सकते हैं कि मुझे करना सिर्फ दो ही काम है, एक लोगों को बिजनेस में लाना और दूसरा जो लोग आ रहे हैं उनको टीम में परिवर्तित करना। यहाँ पे एमडी सर एक बहुत ही शानदार सेशन लगाते हैं कि व्यक्ति को टीम में कैसे बदले, शायद आपको यूट्यूब के माध्यम से ये सेशन सबका मिल जाएगा। तो ये दो ही काम हमको करने, लोगों को लाए कैसे और जो आ रहे हैं, जो हमारे साथ हर महीने लोग आ रहे हैं उनको हम टीम में कैसे बदले, यानी कि अगर इसको एक वर्ड में कहे तो डुप्लीकेशन कैसे करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पहले सेक्शन में है कि मैं लोगों को बिजनेस में लाए कैसे। वो एक कंप्लीट प्रोसेस है, हम सब लोग जानते हैं कि हम डायरी परचेस करते हैं, लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, फिर उनको अप्रोच करते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है उनको हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं और उनके डाउट्स वगैरह सोल्व करके उनको क्लोज करते हैं, यानी कि बिजनेस में लेके आते हैं। तो उसमें से आज का जो टॉपिक है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, वो है प्लान जब हम दिखाते हैं तो क्या करें क्या ना करें। ठीक है, पहले तो प्लान दिखाना क्यों जरूरी है, तो इसका कोई विकल्प नहीं। अगर आप सिंपल भाषा में कहें कि अगर आप प्लान दिखाने में मास्टर बन गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। ठीक है, आपके घर पे पैसों की बारिश होगी, आप छाता लेके भी खड़े रहेंगे ना तब भी भीग जाओगे, इतनी पैसों की बारिश होगी। ये इसका उल्टा भी इतना ही सही है, जब तक आप खुद प्लान नहीं दिखाते तब तक आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते, ठीक है ना। तो पहली चीज है कि भाई ये जो टॉपिक है प्लान दिखाने की जो बात हो रही है, जितने भी हमारे साथी अभी तक प्लान नहीं दिखाते उनको एक डेडलाइन रखने की जरूरत है कि मुझे इस दिन तक प्लानर बन जाना है। कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, सारा प्लान दिखाते, नहीं सर मैं तो अभी नया हूँ। अच्छा कितना टाइम हो गया, खाली 1 साल हुआ है। अरे भाई इधर 1 साल में लोग डायमंड डायरेक्टर बन जा रहे हैं, 1 साल में लोग डबल डायमंड बन रहे हैं, 1 साल में लोग 50,000 इनकम को क्रॉस कर रहे हैं और अभी आप 1 साल हो गया अभी तक प्लान ही नहीं दिखा रहे। तो अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे पहला काम है कि भाई मुझे प्लानर बनना है। और वो प्लानर कब बनेंगे, जब आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे, वहां से वो प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर मुझे कोई पूछे कि सर माई रिचार्ज में प्लानर ना बन के कुछ और करके मैं सफल हो सकता हूँ क्या, तो इसका जवाब है नहीं, नहीं हो सकते। ठीक है, मैं बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ कि आपका माई रिचार्ज में पहला दिन वो नहीं है जिस दिन आपने प्रोडक्ट परचेस किया या जिस दिन आपकी आईडी क्रिएट हुई, वो आपका पहला दिन नहीं है। आपका पहला दिन वो है जिस दिन आपने प्लान दिखाने के लिए पेन अपने हाथ में उठाई, जिस दिन आपने पेन उठा के प्लान दिखाना शुरू किया, दैट इज योर फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस, वो आपका पहला दिन है। अगर अभी तक आपने प्लान दिखाना शुरू नहीं किया तो आप अपने अपलाइन के बिजनेस में है, आपका बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ। इस चीज को पूरी तरीके से अपने दिमाग में बिठाना है कि अगर मैं प्लानर नहीं हूं तो मुझे प्लान दिखाना सबसे पहले यहाँ पे शुरू करना है। जिस काम को आप बार बार करते हो उस काम को आप सीख जाते हैं, उस पर मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, अब जितने लोग ऑलरेडी प्लान दिखा रहे हैं उनको एक मैं पूरी पैटर्न बताता हूँ कि कैसे आप इस बिजनेस में प्लानर होते होते फिर बहुत बड़े लीडर बनोगे। अलग अलग प्रकार के प्लान है, हम लोग इसको एसटीपी कहते हैं कि सर मैं आज एक एसटीपी के लिए गया था। अब एसटीपी क्या है, एसटीपी का मतलब होता है शो द प्लान। ठीक है, मतलब प्लान दिखाना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी कहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं सर मैं आज प्रोग्राम के लिए गया था, प्रोग्राम दिखाने गया था, लेकिन इसका बेटर वर्ड है कि सर मैं प्लान दिखाने के लिए गया था, क्योंकि प्रोग्राम एक इवेंट है। आप एक सेमिनार में गए वो भी एक प्रोग्राम है, आप एक ट्रेनिंग में गए वो भी एक प्रोग्राम है, आप एक होम मीटिंग में गए वो भी एक प्रोग्राम है। लेकिन अगर आप जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आप बोलिए कि सर मेरा आज एक प्लान शो था या प्लान प्रेजेंटेशन था, एकदम सिंपल शॉर्ट है इसका एसटीपी, शो द प्लान। ठीक है, तो शुरू कैसे होगा आपका, पहले आप 1-to-1 प्लान शुरू कीजिए, मतलब आप एक व्यक्ति को प्लान, ठीक है, 1-to-1 प्लान आप दिखाइए, 20, 30, 40, 50 दिखाइए, नो प्रॉब्लम। अरे 100 प्लान दिखाइए ना, अगर 100 प्लान दिखाने से आप करोड़पति बनने की राह पे निकल पड़ते हैं और 100 प्लान दिखाने से आप करोड़पति बनेंगे तो एक प्लान दिखाने का 1 लाख रुपया मिला। आप कैलकुलेशन करके देखिए, अगर 100 प्लान दिखाने से आप प्लानर बन जाते हैं और प्लानर बन के आने वाले समय में आप करोड़पति बन जाते हैं तो एक प्लान दिखाने का आपको 1 लाख रुपया मिला। अगर 1,000 प्लान आप दिखाते, 1,000 प्लान,
ठीक है, तब भी एक प्लान दिखाने का आपको 100 रुपया मिलता है अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। और माई रिचार्ज में कोई करोड़पति बनने के बाद रुकता नहीं है दोस्तों, फिर दूसरा करोड़, तीसरा करोड़, चौथा करोड़, पांचवा करोड़, वो फिर कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो शुरू कीजिए 1-to-1 प्लान से। जितने भी लोग को प्लान दिखाना नहीं आता ना, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, 1-to-1 प्लान से कीजिए। एक एक आदमी को प्लान दिखाइए। अगर आपको बहुत डर लगता है, अपनी मम्मी को प्लान दिखाओ, पापा को दिखाओ, अपनी छोटी बहन को दिखाओ, भाई को दिखाओ, अपलाइन को दिखाओ, दिखाइए, दिखाना शुरू कीजिए। ठीक है ना, इसका कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस प्लान दिखाना शुरू कीजिए। जब आप 1-to-1 में प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो कुछ माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला माइंडसेट क्या है कि आप बहुत जल्दी ये उम्मीद मत कीजिए कि लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन लोग जुड़ेंगे भी, क्योंकि प्लान भी तो अपना काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 में से 3 लोग तो तैयार बैठे कि कोई आए और हमको ज्वाइन कराए। ठीक है, तो 3 लोग तो रेडी है, 30% लोग तो प्लान देख के ज्वाइन हो जाते हैं। वो तो अच्छा कोई आया है कुछ लेके, चलो कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव है, इसीलिए वो लोग जो है वो तैयार है। फिर भी आप ऐसी उम्मीद मत कीजिए कि आपके शुरू में लोग जुड़ेंगे। आप एक माइंडसेट बनाइए कि भाई पहले 20 प्लान में कोई नहीं जुड़ेगा। मैं जिसको भी प्लानर बनाता हूँ उसको अपनी डायरी में लिख के देता हूँ कि भाई तुम ये लिखो अपनी डायरी में कि मेरे पहले 20 प्लान में कोई नहीं जुड़ेगा, मुझे फिर भी दिखाना है प्लान। तो वो क्या करता है, वो 4 दिन 5 दिन में एकदम खुश होकर आता है, सर आपने बोला था 20 प्लान में कोई नहीं जुड़ता, 5 प्लान में एक आदमी जुड़ गया। ठीक है, लेकिन कई बार अपलाइन क्या गलती करता है, सर आप जिसको भी प्लान दिखाओ कि हर आदमी जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, इतना अच्छा कंपनी है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्लान है, जुड़ेगा। लेकिन आप एक बात को समझिए कि नए व्यक्ति को उस काम को सीखने में टाइम भी लग सकता है। तो ये माइंड सेट होना बहुत जरूरी है कि मेरे पहले 20 प्लान में कोई नहीं जुड़ेगा, अच्छा दूसरे 20 प्लान में एक आदमी जुड़ेगा। आप ये माइंड सेट कर सकते हैं क्या? अच्छा, आप ये माइंड सेट बहुत आसानी से कर सकते हैं कि मुझे 1 लाख इनकम आए, ये माइंड सेट कर सकते हैं कि मुझे 5 लाख इनकम आएगा, ये माइंड सेट करते हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा, ये माइंड सेट कर सकते हैं कि मेरे पास जो है मर्सिडीज होगी। लेकिन ये माइंड सेट हम नहीं कर सकते कि पहले 20 प्लान में कोई नहीं जुड़ेगा, फिर भी प्लान दिखाओगा, उसके बाद के 20 प्लान में एक आदमी जुड़ेगा। ठीक है, ओ बाप रे, 40 प्लान एक आदमी, इतना मुश्किल है? मुश्किल क्या होती है, एक बार 10,000 की नौकरी करके देख, तब आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। एक बार दुकान खोल के देखो, एक बार कोई बिजनेस करके देखो जिसमें 20 लाख रुपया लगे, रात को आदमी को नींद नहीं आती है, रातों रात गवर्नमेंट के नियम बदल जाते हैं, रातों रात दुनिया भर के टैक्स आ जाते हैं, रातों रात सामने दुकान खोल के कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता है, रातों रात एम्प्लॉय भाग जाता है, रातों रात दुकान के ताले टूट जाते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, बड़ा बनना पड़ेगा ना, जब तक आप बड़ा नहीं बनोगे, दिमाग से बड़ा नहीं बनोगे, आपको पैसा कहां से आएगा? ठीक है ना, आपको पैसा आएगा तब जब आप दिमाग से बड़ा बनो। भाई करोड़पति बनना है, कामयाब होना है, लोग जो 40 साल में नहीं करते। ठीक है ना, आपके आपके पड़ोसी, मेरे पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, या फिर हम कहेंगे कि हमारे फोर फादर्स, पापा, चाचा, मामा, मौसा, वो लोग 40 40 साल तक मेहनत किए, कोई नौकरी किया, कोई खेती किया, कोई दुकान डाला, करोड़पति बने? नहीं बने, मेरे में तो नहीं बने, आपका मुझे पता नहीं। तो 40 साल करने के बाद भी करोड़पति नहीं बने, वो काम मुझे 4 साल में करना है, तो मुझे बड़ा होना पड़ेगा, मुझे मेंटली बड़ा होना पड़ेगा, ये माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। सर पहले 20 प्लान में कोई नहीं जुड़ेगा, नो प्रॉब्लम, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता चलेगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। ठीक है ना, और उसके बाद के 20 प्लान में एक आदमी जुड़ेगा। अगर ये माइंडसेट आप कर सकते हैं तो आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपकी शुरुआत काफी धीमी हो, लेकिन जैसे कि बेंदांग सर ने बोला ना कि शुरुआत अच्छी होगी तो वो उसका अंत बहुत बढ़िया होता है। तो धीमी शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो आप आने वाले समय में इस मंच पे आओगे, लोगों को बताओगे कैसे आपने अपना जीवन बदला। तो बहुत लोग इसीलिए प्लानर नहीं है क्योंकि वो प्लान दिखाते ही नहीं है। ठीक है ना, एक आदमी बोलता है सर मुझे जापान के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैं कभी गया नहीं सर जापान, इसलिए अगर गया होता तो पता होता। तो बहुत लोग ऐसे ही है, सर मैं प्लानर नहीं हूं क्योंकि मैं प्लान दिखाता ही नहीं। तो आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए और इस माइंडसेट के साथ कीजिए कि भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन अभी मुझे सीखना है। मैं होम मीटिंग में भी कहता हूँ कि आप पहली 10 होम मीटिंग में कोई रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। पहली 10 होम मीटिंग में भी आप यही सोचिए कि भाई आप अपनी गलतियां ही ढूंढोगे कि आप हो क्या रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है। अगर मिस्टेक मिल गई तो बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो प्लान शो है वह है 1-to-1, वहां से आपको शुरू करना चाहिए। और आप मेरी बात को नोटिस कीजिए, अगर आप 1-to-1 प्लान में कॉन्फिडेंट है, अगर आपको 10 में से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग जुड़ रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आप कोई भी कुछ भी सवाल पूछे मेरे पास जवाब है, आपको सवाल रिपीट होना शुरू हो चुका है, मतलब आप बहुत प्लान दिखा चुके हैं, कई लोगों ने आपको बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आपने उनको ज्वाइन करा दिया, कई लोगों ने आपको बोला कि यार ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, आपने उनको भी ज्वाइन करा दिया,
कई लोगों ने आपको बोला कि मैं थोड़े दिन बाद करूंगा, आपने उसको भी ज्वाइन करा दिया, मतलब अब आपके लिए कुछ नया बाकी नहीं रहा। वो कॉन्फिडेंस अगर आपका क्रिएट हो गया है, तो अब आप रेडी है हेलीकॉप्टर से प्लेन में बैठने के लिए, और वो है होम मीटिंग का प्लान शो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, वन टू वन प्लान आपको तैयार करने के लिए है। वन टू वन प्लान आपके होम मीटिंग के प्लान के लिए प्रिपरेशन है। अगर आप वन टू वन प्लान में मास्टर हो चुके हैं, तो आपको होम मीटिंग शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि सर होम मीटिंग करना शुरू कर दिया तो वन टू वन बंद कर दे क्या? नहीं, आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है, चाहे दुनिया का कितना भी महान खिलाड़ी हो, वो लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं, क्योंकि बेसिक चीजों की मास्टरी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कराटे अगर आपके घर में से कोई कराटे में जा रहा है, या फिर आप खुद कराटे कभी किया है, तो आपको पता होगा कि कराटे क्लास जो होता है ना, उसमें हमेशा पहले 20 से 25 मिनट जो है वो बेसिक कराते हैं लोग ऑलवेज। आप 5 साल से क्यों नहीं कर रहे, आप 10 साल से क्यों नहीं कर रहे, पहले 20 मिनट जो है वो बेसिक रिपीट 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 होगा ही होगा। ठीक है, तो आप होम मीटिंग करना शुरू कर दे, तब भी आपको वन टू वन प्लान को कंटिन्यू करना है। बड़ा सिंपल फंडा है, होम मीटिंग रात को कीजिए, वन टू वन प्लान दिन को। जब आपकी होम मीटिंग में भी पकड़ आ जाती है, तो कोशिश कीजिए कि रोज की एक होम मीटिंग पे चले। ठीक है, पहले आप महीने में 5 का टारगेट लीजिए, फिर 10 का टारगेट लीजिए, फिर आप डेली की होम मीटिंग में चले जाए, और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि रोज की दो होम मीटिंग भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2 लाख आ रहा है, तो आप 1 लाख में क्यों खुश है भाई? आप तो 2 लाख लीजिए ना, अगर कंपनी आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया देने को तैयार है। अच्छा, कंपनी किसी का नाम देख के पैसा नहीं देती है क्या? अच्छा, ये तो प्रेम नींबू है, इसको 5 लाख दो, ये तो लतिकुल जी है, इसको 5 लाख दो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर है, वो आप बिजनेस करोगे तो आपको भी मिलेगा, उसमें कोई वो चीज नहीं है। ठीक है, तो आप दो होम मीटिंग कर सकते, तो दो होम मीटिंग की। और जब आप होम मीटिंग में मास्टर बन जाते हैं, जब आप 20-25 लोगों के सामने अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, 20-25 लोगों के क्राउड को आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तब आपको अपनी टीम की टीम मीटिंग्स करना शुरू कर देनी चाहिए। मतलब पूरी टीम, कोई ट्यूशन क्लास ले लिया, या कोई छोटा मोटा हॉल हो गया, किसी का बड़ा घर है तो वहां पे मीटिंग होगी, आप इस प्रकार से करना शुरू कीजिए, और यहाँ से आने वाले समय में आप लोग अपनी टीम के सेमिनार्स खुद करना शुरू कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब इसमें आप कहाँ पे देख लीजिए, कुछ लोग प्लान ही नहीं दिखाते, कुछ लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ लोग वन टू वन के मास्टर हो गए, कुछ लोग फिर होम मीटिंग में चले गए, कुछ लोग टीम मीटिंग में चले गए, फिर आने वाले समय में वो सेमिनार में चले। तो ये पूरा जो है एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी में आप कहाँ पे हैं, ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी तक ये बात नहीं की कि प्लान में ये करो वो करो, क्योंकि ये माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, हम लोग कई बार स्किल के पीछे भागते हैं कि सर ये स्किल डेवलप करनी है मुझे, लोगों से बात करने की स्किल, प्लान दिखाने की स्किल, फॉलो करने की स्किल, कांटेक्ट करने की स्किल, लिस्ट बनाने की स्किल, डायरी मेंटेन करने की स्किल, प्लानिंग करने की स्किल, डुप्लीकेशन करने की स्किल, फॉलो थ्रू की स्किल, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की स्किल, ड्रेसिंग की, ग्रूमिंग की स्किल, प्रॉब्लम सोल्व करने की स्किल, ये सारी स्किल। लेकिन अगर आप विल डेवलप नहीं करोगे, तो स्किल होने के बावजूद भी आप घर पे बैठे रहोगे। ठीक है ना, तो विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल। दुनिया में महान लोगों ने कहा है कि जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं होते, उनमें स्किल की कमी नहीं है, विल की कमी है, वो करना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए ये जो माइंड सेट है बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए प्लानर बनना है, और आज से अभी से शुरुआत कर दीजिए। अच्छे समय के लिए कभी इंतजार मत कीजिए, अच्छा समय कभी आने वाला नहीं है, जो भी है जहां भी आपके साथ, आप वहां से शुरू करें। अब जब आप प्लान दिखाते हैं, वन टू वन प्लान की बातचीत करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या नहीं करना है उसके ऊपर मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद क्या क्या करना है उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अगर आप शुरुआत में हैं, अगर आप बिगिनिंग में हैं, तो आप प्लान बुक से प्लान दिखाइए। ठीक है, प्लान बुक से क्या इजी होगा आपके लिए, कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त प्लान बुक निकाला है, जिसमें आप जो पीपीटी यहाँ पे देखते हैं, शनिवार को भी जो पीपीटी चलता है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम पीपीटी यहाँ पे प्रिंट किया गया, एक बुक बनाई गई है, उससे क्या एक प्रोफेशनल अप्रोच दिखता है। जो लोग नई प्लान दिखाते हैं ना, उनकी एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर मैं कुछ बीच बीच में भूल गया, तो आगे क्या बोलना है वो याद नहीं आया, तो ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि अगला कोई सवाल पूछ लेगा, तो अगर आपके पास प्लान बुक है, तो पहला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं आगे का स्टेप क्या है। आप 5 बार 10 बार 20 बार प्लान बुक से प्लान दिखाना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि फिर आपके दिमाग में छप जाएगा कि अगला स्टेप कौन सा है। उसके बाद आप जो है पेपर पे भी प्लान शो कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी प्लान शो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं करना है उसमें, सबसे पहली चीज है कि एक रट्टा वाला प्लान नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप एक ऐसे डॉक्टर है, आपके पास कोई भी आता है, आप उसको एक ही दवाई दें। ठीक
ठीक है। अच्छा नए लोग कीजिए, जो लोग अभी अभी शुरू कीजिए वो कीजिए, वो एक ही प्लान कीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको तो अपने दिमाग को ट्रेन करना है ना। लेकिन जो लोग ऑलरेडी प्लान दिखा, जो 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से प्लान दिखा रहे, जो लोग हमारे रॉयल्टी क्लब में है, जो लोग एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्लान को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है ना। लता मंगेशकर जी को एक बार बुलाया और उनका एक सॉन्ग का रिकॉर्डिंग था, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सॉन्ग गाया, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो उन्होंने फिर से गाया, फिर से रिकॉर्ड नहीं हुआ। उन्होंने लगभग 4 बार गाया, लेकिन कुछ टेक्निकल ऐसा प्रॉब्लम था मशीन का कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, उनकी आवाज ही नहीं आ रही। फिर वो घर चले गए, तो उनको फिर पूछा गया कि आपको बुरा लगा, क्या हुआ, आप घर क्यों चले गए। उसने बोला मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, तो आप घर क्यों चले गए। उसने बोला कि जब एक ही टाइम पे एक ही गाना 4 बार गाया तो मेरे अंदर से फीलिंग चली गई उस गाने की, तो अब मैं जो है 2 दिन बाद आऊंगी ताकि मैं फीलिंग के साथ गाना गा सकूं। तो गाना गाना और प्लान दिखाना बिल्कुल सेम चीज। आप एक ही प्लान, एक ही, हर व्यक्ति को एक ही दवाई देंगे तो आप ऐसे डॉक्टर बनेंगे जिसके दवाखाने पर ताला लगने वाला है। ये उन लोगों के लिए जो लोग 20-25-50 प्लान दिखा चुके हैं। मैं आपको प्लान का पूरा फॉर्मेट चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मेट तो वही रहेगा, लेकिन आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसके साथ बातचीत करके आपको जो फील आ रहा है कि मुझे इस व्यक्ति को कौन से पॉइंट पे हाईलाइट होके बात करना है, वो फीलिंग के साथ आप प्लान दिखाइए। एक स्कूल में एक बच्चा था, वो बड़ा समझदार था, बड़ा होशियार था। तो एक बार टीचर ने बोला कि आपको एक ऐसे लिख के आना, ऐसे यानी कि निबंध लिख के आना, आपके फेवरेट टॉपिक पे लिख के आइए। तो उसने क्या किया, हाथी के ऊपर एक लिखा कि मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है एलिफेंट। हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी बहुत मजबूत होता है, हाथी की एक पूंछ होती है, हाथी के 4 पैर होते हैं, हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है, हाथी मेरा सबसे फेवरेट एनिमल। तो टीचर ने बोला बहुत बढ़िया लिखा है, कोई बात नहीं। अब अगले दिन टीचर ने बोला कि आपको जो है अपने फेवरेट प्लेस के ऊपर लिख के आना है, ठीक है। वो लड़का जब भी कुछ लिखने को बोले तो सिर्फ हाथी के ऊपर ही लिखता था, ऑलवेज हाथी की बात करता। तो टीचर ने बोला इसको कोई दूसरा टॉपिक का बात कैसे कराए। तो टीचर ने बोला कि कल तुम जो है तुम्हारी फेवरेट प्लेस के ऊपर लिखोगे, फेवरेट प्लेस कि तुम्हें कौन सी जगह सबसे अच्छी उसके ऊपर लिखोगे। तो लड़का फिर लिख के आया कि मेरा नाम राजू है और आज का मेरा विषय है, मेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है। तो मेरा फेवरेट प्लेस है जू, प्राणी संग्रहालय। मैं एक बार जू में गया था, जू में बहुत सारे जानवर थे, उधर एक हाथी था, हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी के पैर बहुत बड़े होते हैं, हाथी की एक पूंछ होती है, हाथी का वजन ज्यादा होता है। अब टीचर कुछ बोल भी नहीं सकते, उसने जो लिखा है ठीक लिखा है। बोला कोई बात नहीं बेटा, तुमने अच्छा लिखा है, लेकिन कल तुम अपने सपने के बारे में लिखोगे कि तुम्हें रात को जो सपना आता है ना उसके बारे में सुबह लिख के आओगे, ठीक है। तो लड़का बोलता ठीक है। दूसरे दिन लिख के आया कि कल रात को मैं जल्दी सो गया था, मुझे बहुत ही शानदार सपना आया, सपने में मैंने हाथी देखा, हाथी बहुत बड़ा होता है, हाथी बहुत मजबूत होता है, हाथी की एक पूंछ होती है। तो ये कहानी बन चुकी है कई लोगों की, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको बेस्ट प्लानर बनने में रोक रही है, रट्टा रट्टा एक ही प्लान नहीं होना चाहिए। तो ये पहला काम है जो हमको नहीं करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी रॉयल्टी होल्डर है उनकी बात कर रहे। दूसरी बात क्या है कि जब आप किसी को प्लान दिखाते तो भयंकर मिस्टेक है जो हमको नहीं करनी चाहिए, वो है ईगो हर्ट करना, प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट करना। देखिए आपका टारगेट खुद को बड़ा दिखाना नहीं है, आपका टारगेट अपनी कंपनी को बड़ा दिखाना नहीं है, आपका टारगेट है एक अपॉर्चुनिटी को शेयर करना, ठीक है। तो कई बार हमारा मकसद नहीं होता है, हमारा टारगेट नहीं होता है, लेकिन हमारी बातें ऐसी होती है ना कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठता है ना उसका ईगो हर्ट हो जाता है। जैसे वो कैसे होता है, तो मान लीजिए कि हमारे एक प्लानर थे, वो कई बार मेरी ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन वो बहुत मेहनत भी करते थे, मुझे फीडबैक भी देते थे, उनका रिजल्ट बहुत कम था। वो 10 प्लान दिखाते तो एक या दो या तीन लोग ही जुड़ते थे। तो कई बार मुझे पूछते सर ये क्या हो रहा है, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं देख रहा हूँ उनका प्लान तो बहुत अच्छा है, तो मैंने बोला आप एक काम कीजिए कि आप एक जूम मीटिंग में आइए, आप मुझे प्लान दिखाइए। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, अच्छे से दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मिस्टेक हो रहा है। तो मैंने बोला कि अब आप एक काम कीजिए कि आप किसी को प्लान दिखाएंगे ना उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ कि आप मेरे सामने तो ऐसी अच्छी अच्छी बात करोगे लेकिन आप रियल में प्रोस्पेक्ट जब आपके सामने आता है तो क्या बात करते। तो उनका ऑडियो मैंने सुना और उनकी मिस्टेक मुझे समझ में आ गई। वो क्या करते हैं, अगले व्यक्ति को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते, उससे उनको लगता है कि मैं ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाऊंगा, मेरा कंपनी ऊंचा हो जाएगा और वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे उन्होंने बात करना शुरू किया कि भाई साहब आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, मान लीजिए उनका नाम है आशीष, आशीष जी कैसे है, बहुत बढ़िया सर, क्या करते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा जॉब करते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, प्राइवेट। तो जब बॉस डांटता है तो मजा आता है क्या, क्या बोलता है,
जब बॉस डांटता है तो मजा आता है क्या? क्या आपका जन्म ये एक बेकार सी नौकरी करने के लिए हुआ है क्या? अब देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में कि भाई अंधे को अंधा मत कहिए। एक आदमी अंधा है, नहीं देख पा रहा है, उसको अंधा नहीं कह सकते। वो सच है, हकीकत है, फिर भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसको यहाँ पे ईगो उसका हर्ट है। और ईगो जो है भाई साहब, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। इंडिया में ईगो बहुत बड़ी चीज है। लोग अपने सपने को छोड़ देंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे अपने ईगो के लिए। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे सामने वाले का ईगो हर्ट हो। ठीक है सर, आपकी सैलरी कितनी, मैं जान सकता हूँ? 10,000। बस, अरे भाई 10,000 में आपका घर कैसे चलता है? कैसे आदमी हो आप? आइए मैं आपको 20,000 कमाने का रास्ता दिखाता हूँ। अब वो कुछ नहीं सुनेगा, अब वो इंतजार करके बैठा है कि इसने मेरा इंसल्ट किया, अब मैं वेट करूंगा इसकी कौन सी बात पे इंसल्ट कर। उसका दिमाग पूरा वहां पे फोकस हो गया। तो कभी भी आप किसी को भी प्लान दिखाते हैं तो उसका ईगो हर्ट ना करे, ये दूसरी बात है जो नहीं करनी है। कई बार जिंदगी में ना क्या करना है उससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो एक होम मीटिंग में गया था मैं, और वहां पे लगभग 15-20 कॉन्टेक्ट आ गए थे। बहुत शानदार होम मीटिंग था, मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, मैंने शानदार तरीके से प्लान दिखाया, और किसी का कोई सवाल नहीं था। इतना जबरदस्त माहौल बन गया था कि लगभग 15 में से 10-12 लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे। तो फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी से पूछा कि भाई आप में से किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका कुछ भी डाउट है तो मैं सोल्व कर दूंगा। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। जिसके घर पे मीटिंग थी, जिसने सबको बुलाया था, उसने हाथ ऊपर कर बोला मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? बोला ये कंपनी भाग गई तो। अब मैंने जैसे तैसे करके उसको जवाब देके समझा दिया, लेकिन उस 15 में से 1 भी आदमी ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने उनको पूछा दूसरे दिन के, सर आपको भी विश्वास नहीं? बोला नहीं सर, क्या बात कर रहे, मुझे तो पूरा विश्वास है सर, इस कंपनी को कुछ नहीं होगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तो आपने सवाल क्यों पूछा? बोला सर मैंने इसीलिए पूछा कि सबका क्लियर हो जाए, कोई पूछ नहीं रहा था तो मेरे बहाने सबका क्लियर हो जाए। मैंने बोला सब क्लियर हो गया, सब कंप्लीट क्लियर हो गया, लोग घर जाके बैठ, क्योंकि लोग सोच रहे कि जब जिसने हमको बुलाया है उसको ही भरोसा नहीं है तो भी हम क्यों करेंगे इसलिए। इसीलिए कई बार आप क्या करें उससे ज्यादा जरूरी कि क्या ना करें। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको किसी भी रूप में अपने प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट नहीं करना है। तीसरी बात, बहुत लंबे लंबे प्लान ना देखा है। अरे भाई ये प्लान है, ठीक है ना, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, इसको छोटा रखिए और मीठा रखिए। आप बहुत लंबे लंबे प्लान ना देखा है, इसको बोलता है डेटा डंपिंग, ठीक है, डेटा डंपिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का एक दुनिया भर का ट्रेनर है रेंडी गेज, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पास लगभग 20 ऐसी गाड़ियां है जो सिर्फ उसके पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो बोलता है डेटा डंपिंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन प्रेजेंटेशन। डेटा डंपिंग का मतलब क्या होता है कि भाई मैं सुदीप दास को प्लान दिखाने के लिए बैठा हूं, मैं वो सारी बातें बता दूंगा जो मुझे पता है, हर स्टोरी बताऊंगा, हर कहावत बताऊंगा, दुनिया भर की चीजें बताऊंगा, प्रोडक्ट में डिटेल में चला गया, प्लान में इतना डिटेल में चला गया, रॉयल्टी में इतना डिटेल में, 2.5 घंटे प्लान। और मैं आपको बताऊं, आज यहाँ पे अगर 800 लोग बैठे हैं तो उसमें से कम 100 लोग होंगे जो ये मिस्टेक कर रहे हैं। डेटा डंपिंग, आप उतना ही दीजिए जितना जरूरी है। वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, आप उनके साथ फिर बात कर सकते हैं, आप उनको ट्रेनिंग में छोटी छोटी चीजें सिखा सकते हैं। उनका एक प्रोसेस है, वो जो है बीज में से पौधा बनने का एक प्रोसेस है, उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। आप उसके ऊपर कैमरा लगा के बैठ जाएंगे तो वो रातों रात कोई पेड़ नहीं बन जाएगा, दूसरे दिन से आम देना शुरू नहीं करेगा। लेकिन कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, उसमें आपका प्लान 2.5 घंटे का हो। आपका प्लान 20 से 25 मिनट का होना चाहिए। अगर आपका प्लान 20 मिनट या 25 मिनट में नहीं एंड हो रहा है तो आपको अपने अपलाइन के साथ बैठने की जरूरत है, उनको अपना प्लान दिखाने की। प्लान की बिगिनिंग हो गई, उसके बाद जो मेन कोर पार्ट है, जहां से आप बात करना शुरू करते हैं, वहां से लेके जब आप प्लान को खत्म करते हैं ना, ये पीरियड आपका 20 मिनट का, क्योंकि कई बार बिगिनिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है आपके सामने। जैसे मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले एक टॉपिक लिया था, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है ना। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं, वो लोग कम बोलते हैं, और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो लोग ज्यादा बोलते हैं, उनको बोलना पसंद। दो प्रकार के लोग होते हैं। तो आपके सामने अगर इंट्रोवर्ट प्रोस्पेक्ट आ गया तो वो ज्यादा बात नहीं करेगा, आप कितना भी उसको खंगालने की कोशिश करेंगे वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो वहां पे आपकी प्लान की बिगिनिंग है वो 101 से लेकर 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, सीधा प्लान पे चले जाओगे। कई बार एक्सट्रोवर्ट होगा,
जैसे आपने उनको दो बात बोली तो आपको चार बात बोलेगा, तो वहां पे आपको सुनना भी, ठीक है ना। तो वो ये जो टाइम है ये फिक्स नहीं कर सकते हम, प्लान की बिगिनिंग कई बार 2 मिनट में होगी, कई बार 5-7 मिनट भी चलती है, और एंडिंग मतलब कि आपने जब से उनको बोला कि भाई आपके सामने अपॉर्चुनिटी है चलिए शुरुआत करते हैं, उसके बाद तो कितना टाइम लगेगा ये कोई कह नहीं सकता है। हो सकता है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट भी लग सकते हैं। मेरा एक सिंपल फंडा था, जब तक प्रोस्पेक्ट जुड़ता नहीं है तब तक छोड़ना नहीं, क्योंकि वो जुड़ने को तैयार है इसीलिए तो हमारी बात मान रहा है, तो हमें वहां पे छोड़ना नहीं है, एनर्जी वहां पे बचा के रखनी है। इसीलिए आपका जो कोर पार्ट है जिसको हम लोग इंफॉर्मेटिव पार्ट कहते हैं कि भाई आपका कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आपको जो बताना है वो 20 मिनट में खत्म होना जरूरी है, जिससे कि आप बाकी सारी चीजों के लिए टाइम भी बचा सके और आपके पास एनर्जी भी यहाँ पे बचा रहे। तो लंबा प्लान नहीं होना चाहिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। लंबा प्लान, इतना लंबा प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे तो अगला ज्यादा समझेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इस मीटिंग में 900 लोग हैं, जिसमें से 700, 800, 700 लोग के वीडियो बंद है, उनको पहले दिन से बोल रहे हैं वीडियो शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, तो वो कर दिया क्या? वो नहीं करेंगे, वो अपने डिसीजन पे कायम है। कुछ भी हो जाए, दुनिया बदल जाए, हम वीडियो ऑन नहीं करेंगे। मजबूत डिसीजन है उनके लिए भी, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए, क्या मजबूत डिसीजन है। लेकिन उम्मीद करते हैं, अब दिसंबर में भी आप वीडियो बंद रखिए, अभी नवंबर तो खत्म हो गया, दिसंबर में भी बंद रखिए, लेकिन हम आपको उम्मीद करते हैं कि आप अगले साल से 1 तारीख से अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। तो तीसरी चीज है कि बहुत लंबे लंबे प्लान हमको नहीं दिखाना। चौथी चीज है, वन वे प्लान नहीं दिखाना। वन वे प्लान, वन वे मतलब आपको पता ही नहीं अगला आदमी सुन रहा है, देख रहा है, आप बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पिछली मीटिंग में भी एक एग्जांपल दिया था कि मैं जब बस में अप डाउन करता था, जब 8 क्लास में था, तो वहां पे एक वो डायलिंग वाला फोन था जिसमें 1 रुपए का सिक्का डालने से बात होती है। अगर सिक्का नहीं डालोगे तो अगले आदमी को आपका आवाज नहीं सुनाई देता है, बस आपको सिर्फ उसका आवाज सुनाई दे, ठीक है, इसको वन वे बोलते हैं। अच्छा, आपको कोई ऐसा फोन मिल जाए जिसमें आपको अगले व्यक्ति का आवाज सुनाई दे और आपका आवाज ना सुनाई दे, आप उसको एक दिन नहीं रखो, आप उसको फेंक दोगे, तोड़ दोगे, सर पे मारोगे आप उसको, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है कि सिर्फ सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, लेकिन बोलो कुछ नहीं, ये किसी को पसंद नहीं। तो आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ प्लान दिखाते हैं तो आई टू आई कॉन्टेक्ट कीजिए, चेहरे पे स्माइल रख के बातचीत कीजिए, देखिए कि वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है ना। देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा गैलरी मोड ऑन है। गैलरी मोड का मतलब है कि 25 लोग मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जिनका वीडियो ऑन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मीटिंग में बैठा हूँ, मेरे सामने 25 लोग हैं। अब यहीं पे अगर मैं इसको स्पीकर मोड पे डाल दूंगा, यानी कि मैं खुद को ही देखूंगा, तो मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी। ये जो मैं अच्छे से आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो इसीलिए क्योंकि मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, इसलिए मेरे दिमाग में और भी नई नई बातें आ रही है, वरना नहीं आएगी। तो आप जब किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरी बात सुनता है कि नहीं। कुछ लोग जब आप उससे बात करेंगे तो ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, फिर मोबाइल में देखते हैं, मतलब वो आपकी बात नहीं सुन रहा, ठीक है ना। और कुछ लोग आपके सामने ऐसे बैठ जाते हैं, हाँ सर, हाँ सर, सही है सर, ठीक है सर, बताए, मतलब वो आपकी बात सुन रहा है। तो वो रिस्पॉन्स जब आपको मिलना शुरू कर देते हैं ना, तो एमडी सर इसको बोलते हैं कि जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपको कुछ समय के बाद इसका टेस्ट आना शुरू हो जाता है, उसका मजा है, बोलने वाले को बड़ा मजा आता है, जब कोई सुनने वाला मिल जाता है ना तो बोलने वाले को बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो आप वन वे प्लान ना दिखाए, टू वे प्लान। और टू वे प्लान कैसे होता है, तो पहली चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट सुन रहा है। अगर आपको ये लगे कि आपका प्रोस्पेक्ट नहीं सुन रहा है, रुक जाए, आप उनसे बातचीत कीजिए कि सर आप कंफर्टेबल तो है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है सर, आप यहाँ पे अटेंशन दे सकते हैं, ऐसा दो चार चीजें बोलिए उसको, फिर यहाँ पे लेके आए। जैसे वो बार बार घड़ी देख रहा है या वो बार बार मोबाइल में कुछ देख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक लड़का प्लान दिखाने के लिए गया किसी की दुकान पे, वो दुकान वाला आईपीएल देख रहा है और प्लान देख रहा है, हाँ अच्छा, ओ तेरी चौका मार दिया, अरे क्या बात है, इधर चौका देखो ना भाई, इधर लाखों रुपया आएगा। तो आपको ऐसे आदमी को प्लान नहीं दिखाना चाहिए जो टीवी देख रहा है, ठीक है ना, टीवी देख देखते। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, सर गए हैं तो खाली हाथ क्यों आएंगे, तो मजदूरी मत करो, अपना एनर्जी बचा के रखो ना, ठीक है ना, दूसरे प्लान में काम लगेगा। तो अगला आपका बात सुनने को तैयार है तो ही उसको प्लान दिखाना है, और लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 प्लान दिखाए जाए और 8 प्लान वापिस आ जाए, क्यों, चेतन सर ने बोला है, कंपनी का ट्रेनर है भाई, सुनना चाहता है तो ही बोला, वरना बोलना ही नहीं, आज हम बोलेंगे नहीं। कुछ लोग ना हर चीज का उल्टा मतलब ले लेते हैं, लेकिन आप वन वे प्लान ना दिखा, ठीक है। अच्छा, एक लड़का प्लान कैसे दिखाता है, सुनिए सर, ऐसा करके नीचे देखेगा, 1 घंटे बाद ऊपर देखता है, सामने वाला है, बैठा है कि चला गया हो तो घर जाके मछली खा रहा है, इसको पता भी नहीं सामने कोई है कि नहीं,
प्लान किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी ये समस्या है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो वन वे होते हैं, वो सुनते नहीं है, बोलते ही है, बोलते ही है, बोलते ही। आप उनको बोलेंगे ठीक है बाद में बात करें, हाँ और सुना और क्या चल रहा है, आप बोलेंगे मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ फोन करता हूँ, हाँ बाकी सब घर में ठीक है। वो वन वे है, वो कुछ सुन ही नहीं रहे, आप क्या बोल रहे हो उनको कोई लेना देना है, बस बोलते जा रहे बोलते जा रहे। तो कभी भी हमको वन वे प्लान नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। प्लान दिखाने के लिए आप अच्छा जगह रखिए, ये बेसिक चीजें हैं। अच्छा एक और मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, जो हमको कभी प्लान में नहीं करनी चाहिए। जैसे आपके सामने प्रोस्पेक्ट आ गया ना, फिर इधर उधर की बात मत कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को प्लान दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए विकास मिश्रा जी मेरे प्रोस्पेक्ट है, मैं उनके सामने आ गया, या फिर वो मेरे ऑफिस पे आए हैं, मेरे घर पे आए हैं। जैसे ही वो आ गए, मेरा पहला काम उनको तुरंत अटेंड करना, हेलो मिश्रा जी कैसे है, आइए आइए सर, मोस्ट वेलकम, बैठिए बैठिए सर। कुछ लोग क्या करते हैं, मिश्रा जी आ गए, हाँ ठीक है बैठिए, फिर फोन उठाएगा, हाँ क्या हो गया, कहाँ गए आप, दुनिया भर की बातें करेंगे। अब इतनी देर में क्या होगा, मिश्रा जी पूरा सब कुछ देख रहे, अच्छा ऑफिस है, बैनर लगा है, अच्छा माई रिचर्स कंपनी का नाम है, अच्छा ये प्रोडक्ट है, ओके मुझे देखेंगे, पूरा ऑफिस को देखेंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है, और मेरी बातों को नोटिस करेंगे। ये इंसान के अंदर ना एक स्कैनिंग मशीन होता है, ये बाय डिफॉल्ट है सबके अंदर है, ठीक है। कोई भी आदमी जब हमारे सामने आता है तो हम पहले कुछ सेकंड के अंदर उसको स्कैन कर, तो वो स्कैन करने का मौका क्यों दे रहे हैं? कुछ लोग तो बिल्कुल भी ना समझे, वो जानबूझ के उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, हाँ ठीक है बैठिए, हाँ मैं कल मीटिंग में आऊंगा, ये है वो है। अरे भाई इम्प्रेस करने की ट्राई मत करो, आपके पास बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप बस प्लान सिंपल भाषा में प्लान दिखाइए, अगला आदमी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप जो है प्रोस्पेक्ट जब आ जाए तो उसको तुरंत अटेंड कीजिए, फिर इधर उधर हमको टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोस्पेक्ट को बोलने नहीं देते, ये भी एक मिस्टेक। जैसे मान लीजिए उसने कुछ पूछा, आप रुकिए सर, सर बीच में मत बोलिए सर, एक बार मैं फिनिश कर लूंगा उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए, बीच में मत बोलिए सर। अब प्रोस्पेक्ट बोलता है ठीक है मैं बीच में नहीं बोलूंगा, एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, लास्ट में बोलूंगा। और लास्ट में बोलता है सर आपको कैसा लगा प्लान, बोला प्लान तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत घटिया है, कैसे आपको करना है कि नहीं, नहीं आपने बोला था ना लास्ट में बोलना, मैं बोलूंगा नहीं करना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट कुछ पूछते उसको इंटरेस्ट से सुनिए, अच्छा अच्छा ठीक है क्या बात है, अरे वाह सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर, उस सवाल का थोड़ा जवाब दे दीजिए, फिर बोलिए सर क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक बार ना सर मैं पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दूं, आप उसके बाद जितने सवाल पूछे, क्योंकि हो सकता है सर आपके मन में जो सवाल है ना वो आगे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक बार मैं दिखाने भी मुझे मजा आएगा और आपको देखने भी मजा आएगा, क्या ये हो सकता है सर? अगर बोले बिल्कुल कोई बात नहीं मैं लास्ट में सवाल पूछूंगा, तो ये रिक्वेस्ट मोड पे हम लोग को जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई ईगो हर्ट नहीं होगा, हम लोग को यहाँ पे छोटे नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने दीजिए, उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक और मिस्टेक है, इधर उधर भटक जाते हैं हम लोग, प्लान दिखाते दिखाते दुनिया भर की चीजें भटक गए, इधर चले गए उधर कोई कहानी में चले गए, किसी का एग्जाम्पल दे दिया, ये आप प्लान दिखाने बैठे कोई कहानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं होस्टिंग वाले को भी बोलता हूँ, जब आप होस्टिंग करने के लिए आते हैं तो कोई कहानी मत कीजिए, ठीक है। कहानी करना, अच्छा क्या होता है जैसे एक ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग में एक होस्ट है, अब ट्रेनर 1.5 घंटा बोलता है, उसके बाद होस्ट आके फिर ट्रेनिंग चालू कर देता है, दोस्तों ऐसा ही करना होता है। अरे आपका रोल समझिए भाई, आपका रोल होस्ट का है ट्रेनर का नहीं है, जिस दिन आप ट्रेनर बन के आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे उस दिन आप कहानी बताइए, उस दिन आप अपना जो है ट्रेनिंग वहां पे रखिए। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं कि हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना है, उसका ईगो हर्ट नहीं करना है, बहुत लंबा लंबा प्लान नहीं दिखाना है, हमें वन वे प्लान नहीं दिखाना है, हमें बीच में उसको एकदम डांटना नहीं है, और उसके हिसाब से प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि एक ही प्लान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है टेलर मेड और रेडीमेड। आप कपड़ों की दुकान है आपकी, आप मोटे से मोटे आदमी का भी वही पैंट है, पतले से पतले आदमी का भी वही पैंट है, तो नहीं चलेगा, आपको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से प्लान दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रोस्पेक्ट बैठा है, उससे बातचीत की, आपको पता चला कि ये भाई साहब एक बहुत ही सिंपल पर्सन है और लगभग 8-10 हज़ार इनकी सैलरी होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब आप उसको बोले करोड़पति बनना चाहते हो, वो दिमाग बंद करके बैठ जाता, बोला भाई मैं सुबह से शाम इतना मेहनत करता हूँ, 8 हज़ार रुपया मिलता है, बॉस को 9 हज़ार के लिए बोला तो बोला नौकरी से निकाल दूंगा, और 1 करोड़, 1 करोड़, तो वो आदमी का दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। तो जैसा आदमी वैसा प्लान, अगर वो 8 हज़ार कमा रहा है आप बोलिए कि भाई साहब आप बहुत मेहनती आदमी हैं,
आप इतनी मेहनत करके एक इनकम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों भाई मिलके काम करेंगे ना, तो जितना आप 8 घंटा काम करके मेहनत कर रहे हैं, उतना ही दूसरा पैसा 2 से 3 घंटा काम करके हो सकता है। तो क्या अगले 3 से 4 महीने में आपकी इनकम डबल हो जाए, तो आपको ऐसा कोई बात सुनने में इंटरेस्ट है क्या? तो आपका प्रोस्पेक्ट पूरी तरीके से इंटरेस्ट लेगा, उसके दिमाग में बैठेगा भी कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सीधा उसके दिमाग में चित्र बनना शुरू हो जाएगा, मेरा सैलरी 8,000 है, 8,000 दूसरा आएगा तो क्या क्या चेंजेस आ जाएगा, लेकिन वो करोड़पति बनने वाला चित्र उसके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, इसका उल्टा भी उतना सही है। मान लीजिए आप किसी आदमी को, कोई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है, 1.5 लाख रुपया उसका सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, आप उसको बोलेंगे सर आपको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने में इंटरेस्ट है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बोला यार 5,000 के चंगुल में मैं कुछ नया क्या शुरू करूं, मेरा तो 2 लाख सैलरी है, इससे मैं कुछ करूंगा तो मेरा राइज होके 2.5 लाख हो जाएगा। तो उसको ये बात करना है आपको कि सर आप एक बहुत अच्छी पोजिशन पे है, आप बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऐसी है कि आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? क्या आप कभी महीने 10 लाख के बारे में सोचते हैं सर अगले 3 साल 4 साल में? तब वो सोचेगा यार ये 2 लाख वाला सैलरी 10 लाख होने में तो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इसके बाद सुन लेता हूँ जहां पे 10 लाख आ सकता है। इसीलिए टेलर मेड प्लान, जैसा व्यक्ति वैसा प्लान, कहाँ पे बिगिनिंग मेन फॉर्मेट जो है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन बिगिनिंग जो है ये ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या क्या करना है उसके ऊपर आते हैं, मेरे पास कुछ 10-15 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर करें। सबसे पहले तो क्या करना है, तो प्लान दिखाने का पहला नियम है प्लान दिखाएं। प्लान दिखाने का पहला नियम है रोज प्लान दिखाई, ठीक है ना सर? आप प्लानर है? हाँ मैं प्लानर हूँ, रोज प्लान दिखाते हैं? नहीं सर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया तो एक प्लान दिखा दे, तो कभी कभी आपके ई वॉलेट में कुछ 200-300 रुपया आ जाए, ठीक है ना? कभी कभी प्लान दिखाओगे तो कभी कभी पैसा आएगा। डेली प्लान दिखाइए, नियम नंबर 1, प्लान दिखाने का पहला नियम रोज प्लान दिखाइए। अगर आप रोज प्लान नहीं दिखा रहे तो आपका पहला टारगेट है रोज प्लान दिखाओ। अगर आप रोज प्लान दिखाना शुरू किया तो अब आपका टारगेट है रोज लोगों को ज्वाइन कराओ, रिजल्ट पे चले जाओ, रिजल्ट पे चले जाओ। अगर देखिए अगर आपको फास्ट आगे बढ़ना है, अगर आपकी भूख थोड़ी ज्यादा है कि सर ये सेंट्रो वेंट्रो भी कोई गाड़ी होती है, गाड़ी तो होनी चाहिए होंडा सिटी, गाड़ी तो होनी चाहिए फॉर्च्यूनर, गाड़ी तो होनी चाहिए टाटा हैरियर, अगर सोच आपकी बड़ी है तो आप अब जो है शिफ्ट हो जाइए कि सर डेली प्लान दिखाना मेरा टारगेट नहीं, रोज कम से कम 2 या 3 लोग को ज्वाइन कराना मेरा टारगेट, मैं रिजल्ट लेके घर में आऊँ। तो पहली चीज है कि आपको डेली बेस पे प्लान में जाना चाहिए, अगर आप प्लानर है तो होम मीटिंग में चले जाइए। लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं हमारे देश में, हमारे देश में कम से कम 150 कंट्री है इस देश में, कितनी? 150 कंट्री, क्योंकि दुनिया में कुछ 220 देश है, उनमें से ज्यादातर देश ऐसे है जिनकी आबादी जो है वो 1 करोड़ से कम है। मैं 2000 2010 में 2010 में मॉरिशियस गया था, मैं 15 दिन के लिए गया था, तो 2-3 दिन सब कुछ घूम लिया फिर थक गए, क्या करेंगे बोर हो गए यहाँ पे, तो वहां पे हिंदी हिंदी बोलते हैं लोग, वहां पे काफी सारे इंडियंस है, वहां पे खास करके बिहार से बहुत लोग हैं मॉरिशियस में, वहां पे सेकंड या थर्ड लैंग्वेज हिंदी है। तो एक आदमी मुझे मिला, बोला सर आपको पूरा कंट्री घुमा देता हूँ। मैं बोला कितना दिन लगेगा? बोला 4 घंटे। कितना टाइम लगेगा? कैसे? बोला मेरे पास बोट है, ये तो एक टापू है, 4 घंटे में पूरा चक्कर लग जाएगा। मैंने बोला भाई इस देश की आबादी कितनी? बोला 10 लाख लोग। कितने? 10 लाख का देश है। अब सोचिए कलकत्ता एक देश हो गया, मुंबई एक देश हो गया, अहमदाबाद एक देश हो गया, ठीक है ना, दीमापुर भी एक देश है, इतने लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे लोगों की कोई कमी नहीं है, आप दिल खोल के होम मीटिंग कीजिए, लोग खत्म होने वाले नहीं है दोस्तों। आप ये सोच जाएंगे लोग खत्म हो गए, लोग खत्म नहीं हो गए, जिनके पास आप पहुंचते थे उस वहां पे क्या हो गया कि कोई और पहुंच गया, फरहाद हुसैन पहुंच गया आपसे पहले, तो वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? तो बेटर है कि आप पहले ज्वाइन कराइए, क्योंकि आपकी टीम में ज्वाइन करने से आपको पैसा आएगा, दूसरे की टीम में ज्वाइन करने से पैसा नहीं आएगा। तो पहला नियम है रोज प्लान चाहिए। दूसरा, प्लान के लिए प्रिपेयर कीजिए कि कल मेरे प्लान कैसे होंगे। आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है कि कल मेरे प्लान कैसे होंगे, प्लानिंग करना पड़ेगा। अचानक से कोई नहीं आ जाएगा आपके सामने, 20 लोग आपके ऑफिस के बाहर लाइन लगा दे, क्यों आज प्लान देखना है सर आपका, हम लाइन लगा के खड़े रहेंगे शाम तक, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, अपनी टीम से बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा, प्लान दिखाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपने कुंडे को प्लान दिखाए, जब आप अपने लिस्ट पे काम करते हैं तो ये वर्किंग होती है, पहले वर्किंग करनी है हमको। जब आप अपने लिस्ट पे काम करते हैं तो वर्किंग होती है, जब आप अपनी टीम के लिस्ट पे काम करना शुरू करते हैं तो नेटवर्किंग स्टार्ट होती है।
तो अगर हमको नेटवर्कर बनना है, लीडर बनना है, तो आपको टीम की लिस्ट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे वो बेसिक चीजें आ जाती है कि आपकी टीम में आप लोगों की लिस्ट बिल्डिंग करवाते हैं कि नहीं, आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं, आप उनको जूम में लेके आते हैं कि नहीं, आप उसको कॉन्टेक्ट करना सिखाते हैं कि नहीं, आप उनकी लिस्ट चेक करते हैं कि नहीं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। अगर ये चीजें आप करोगे तो आपको कभी भी ये कमी नहीं पड़ेगी कि आपके पास लोग कहाँ से आएंगे, ये समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप प्लानिंग कीजिए कि कल मेरे 5 प्लान कैसे होगा। अगर आपको 5 करना है तो 15 का प्लानिंग, 20 का प्लान कीजिए। 20 का प्लान करोगे तो 5 से 10 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे तो टीम तो तैयार बैठे हैं कि सर हमको तो करना ही है कुछ भी है। ठीक है, तो दूसरा नियम है कि अपने प्लान के लिए प्लानिंग कीजिए। जब आप प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं तो आपका पहला टारगेट है अपने प्रोस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील कराना। देखिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है ना, वो डिस्कम्फर्ट में बैठा है। आप जब किसी अनजान आदमी के सामने बैठते हैं ना, देखिए दुनिया में, इंडिया में कॉन्फिडेंट लोगों की जो पॉपुलेशन है कितनी है, 2 से 3% जिनको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं किसी के भी सामने बैठूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। बाकी के 97 to 98% लोग घबरा जाते हैं, यार कौन आदमी है, किसको मिलना है, ऊपर से सामने वाला टाई बाय पहन के बैठा तो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। तो घबराए हुए आदमी को पहले आपको कंफर्टेबल फील करा, उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप थोड़ा बातचीत कीजिए। हेलो सर कैसे हैं, चेहरे पे स्माइल। हेलो सर कैसे हैं, मेरा नाम चेतन चावड़ा, आपका नाम क्या है सर। अब यही चीज सेम टू सेम मैं बोलता हूँ, हेलो सर कैसे हैं, मेरा नाम चेतन चावड़ा, आपका नाम क्या है, सेम टू सेम। लेकिन अगला बोलेगा सर मैं तो गलती से आ गया हूँ, बाहर जाने का रास्ता किधर। ठीक है, तो चेहरे पे स्माइल बहुत बड़ा हथियार है ये, बहुत लोग स्माइल ही नहीं करते। अच्छा एक लीडर हमारा स्माइल ही नहीं करता, मैं बोला सर वो हंसते क्यों नहीं। सर जिस दिन करोड़पति बनूंगा ना उस दिन हंसूंगा। भाई हंसेगा तो करोड़पति बने, उल्टा है पूरा खेल। ठीक है ना, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं सर मैं एक बार सिल्वर बन जाऊंगा ना फिर देखिए कितने प्लान दिखाते। अरे प्लान दिखाओगे तो सिल्वर बनोगे भाई, प्लान दिखाओगे तो डायमंड बनोगे, डायमंड बनोगे तो प्लान दिखाओगे, ऐसा नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है। ये तो ऐसा हो गया भगवान से आपने कंडीशन करके रखी है स्वर्ग दे दो तो कल मर जाओ। भगवान बोले स्वर्ग चाहिए तो पहले मरना पड़ेगा, फिर इधर हिसाब होगा, फिर पता चलेगा स्वर्ग मिलेगा कि नरक। ठीक है, तो स्माइल के साथ बातचीत कीजिए, खुद को पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। आप उम्मीद मत कीजिए कि अगला व्यक्ति बोलेगा, आप बोलिए हेलो सर कैसे है, और हाथ मिला तो मछली की तरह हाथ ना मिलाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाइए, थोड़ा आपका लगना चाहिए। देखिए आपका जो शरीर है, मेडिकल साइंस क्या कहता है कि अवर बॉडी इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अवर माइंड। हमारा दिमाग और हमारा शरीर अलग नहीं है, हमारा शरीर हमारे दिमाग का ही हिस्सा है, ये हमारा दिमाग ही है पूरा। इसलिए आप जो यहाँ पर फील करते हैं वो आपकी बॉडी में रिएक्शन है। कोई कोई आदमी ऐसे हाथ मिलाता है मॉर्निंग सर, मतलब इसमें कोई जोश ही नहीं, इसका दिमाग थका हुआ है। ठीक है ना, कोई बोलता है हेलो सर माय रिचर्ड मॉर्निंग सर, मतलब ये आदमी अंदर से जोशीला भरा हुआ है अंदर से। तो आप अंदर जोश भरिए, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए और इसको एक हैबिट ही बना दीजिए, इसको एक आदत ही बना दीजिए आप। ठीक है ना, कि जब भी किसी से मिले हेलो सर कैसे है, स्माइलिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे वो आपके बिजनेस में है चाहे नहीं है, चाहे मामा जी को मिले, पड़ोसी को मिले, दोस्त को मिले, दुश्मन को मिले, किसी को भी मिले, एक छाप छोड़े अपनी वहां पे, इसको एक हैबिट अपनी क्रिएट कीजिए। अच्छा आप सोचेंगे कि आप माई रिचार्ज करेंगे तो एकदम कॉन्फिडेंस से चलेंगे, फिर एकदम कमजोर चलेंगे, तो ये दोनों चीजें नहीं होगी, आप अपने दिमाग को कंफ्यूज कर। ठीक है ना, इसीलिए जब भी आप निकले तो ऐसे ही निकले। मैं इसका एक फॉर्मूला देता हूँ कि आप एक सिंपल चीज खुद को एक सवाल पूछे कि 1 लाख कमाने वाला कैसे चलेगा, मैं ऐसे चलूंगा। अगर 1 लाख कमाने वाला आदमी कैसे चलेगा, मैं ऐसे चलूंगा। 1 लाख कमाने वाला कैसे स्माइल करूंगा, ऐसे स्माइल कर। 1 लाख कमाने वाला कैसे हाथ मिलेगा, मैं ऐसे हाथ। पहले मान लीजिए, आप जो चीज मान लेते हो आपके लिए हकीकत बन जाती है। ठीक है ना, जो चीज आप मान लेते हैं, जो विचार आप मान लेते हैं, वो विचार आपका विश्वास बन जाता है, आपका विश्वास आपके जीवन का निर्माण करता है। एक आदमी बोलता है सर मैं प्लानर नहीं हूं, अच्छा ये विश्वास है उसका, क्योंकि उसने इस विचार को 1000 बार दोहराया। एक आदमी बोलता है सर मैं शानदार प्लानर हूं, मैं बैठ गया मतलब बात खत्म, सर डायमंड क्लब से जुड़ता। ठीक है, तो ये उसका विश्वास है क्योंकि उस विश्वास को उसने बार बार रिपीट किया है। तो आप सोचिए 1 लाख कमाने वाला कैसे जूम में बैठेगा। ठीक है ना, एक अभी एक भाई साहब पूरा सोते सोते मीटिंग करने, पूरा परिवार सो रहा है ऐसा करके पूरा मीटिंग अटेंड कर, तो 1 लाख कमाने वाला ऐसे तो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा ना। ठीक है, 1 लाख कमाने वाला कैसे मीटिंग अटेंड करेगा, मैं ऐसे मीटिंग अटेंड करूंगा। 1 लाख कमाने वाले का ड्रेस कोड कैसे होगा, मेरा ऐसा ड्रेस कोड। और जब आप प्लान दिखाने के लिए बैठे हैं तो उसको फील करेगा यार 1 लाख रुपया आने वाला है इस बिजनेस से, इस आदमी को भी समझाता हूँ 1 लाख रुपया आने वाला है। उस कॉन्फिडेंस के साथ सबसे पहले हाथ मिलाइए, अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए और चेहरे पर स्माइल रखिए। ठीक है, और टू वे कन्वर्सेशन, ऐसा नहीं हेलो सर मेरा नाम चेतन चावड़ा, मैं गुजरात से हूँ, माय रिसर्च कंपनी का नेशनल ट्रेनर हूँ, इस बिजनेस में मुझे बहुत साल हो गए, मैं जबरदस्त बातें बताता हूँ, ऐसा वन वे नहीं।
बात किया, हेलो सर मेरा नाम चेतन चावड़ा, आप बताइए सर। वो सामने से बोलेगा कि मेरा नाम ये है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर मैं जान सकता हूँ कि आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? ये एक हथियार है, ये एक हथियार है किसी को। अच्छा कुछ लोग क्या बोलते हैं, हाँ सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावेश। क्या करते हैं भावेश जी आप? जॉब के बिजनेस? बिजनेस कौन सा? ये वाला? कहाँ पे? ये कितने का? अरे भाई इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है क्या? सवाल पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए। सर मैं जान सकता हूँ जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं? बोला मैं जॉब करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया है। सर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट सेक्टर में? बोला नहीं मैं प्राइवेट में। अच्छा फिर लगता है बैंक में हो गया आप? बोला नहीं सर मैं बैंक में नहीं, अकाउंट में। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। चलिए आज आपके साथ मजा आएगा सर, आपके पास एक अनुभव है, शायद हमको भी कुछ सीखने का। आपने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर, ठीक है ना? क्या मैं जान सकता हूँ? इससे आप बहुत कुछ जान लीजिए। आपको पता चला वो आदमी क्या करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, आपको अंदाजा लग गया उसका सैलरी कितना होगा। उसने बोला सर मैं ICICI बैंक में हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो भी इसका सैलरी 40-50 हज़ार रुपया होगा। आपको पता चले बात कैसे करना, ठीक है ना? एक आदमी बोलता है सर पहले मैं जॉब करता था, फिलहाल तो मैं घर पे हूँ, अभी जॉब नहीं है, मतलब इसको काम की तलाश, ठीक है। एक आदमी बोलता है सर मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये स्टूडेंट है और पढ़ाई के साथ कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करता हूँ सर। अपने अपने बारे में और बताए सर, आपके पापा क्या करते हैं? ये करते हैं सर, पर मेरे पापा जो है वो छोटा मोटा सा कोई काम करते हैं, मतलब इसको जरूरत है, स्टूडेंट है, पापा ज्यादा नहीं कमा रहे, इसको पढ़ते पढ़ते कमाना। आपको आइडिया लगेगा, इधर एक दिमाग है, उसको यूज करना जरूरी है, ठीक है ना? आप दिमाग को डेटा देंगे तो दिमाग आपको बोलेगा आपको प्लान कैसे देना। तो ऐसे आप शुरुआत कीजिए, और अगर आपके सामने जो भी प्रोस्पेक्ट बैठा है, अगर वो दो चार बातें बोल देगा ना, तो वो कंफर्टेबल, आप थोड़ा हंस लेंगे, हंस के बात करेंगे, थोड़ा अप्रिशिएट कर देंगे, तो वो जो है कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है? तो ये आपका पहला टारगेट है कि आपके प्रोस्पेक्ट को आपको कंफर्टेबल फील कराना है। दूसरा टारगेट है क्या मैं जान सकता हूँ, इस बात को लेके आपको कुछ चीजें जान लेनी है। एक्चुअल में तो क्या होता है कि आप आपका जो भी डाउनलाइन, जैसे सौरभ बाबू किसी प्रोस्पेक्ट को लेके आ रहे हैं, तो मुझे सौरभ बाबू को पहले पूछ लेना चाहिए कि सौरभ बाबू आपका जो प्रोस्पेक्ट है कौन, बताइए उसके बारे में, क्या है, लड़का है, लड़की है, उम्र क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसका घर परिवार का बैकग्राउंड कैसा है, उसके पापा क्या करते हैं, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं? बोला सर वो करेगा। क्यों करेगा, आपको क्यों लगता है वो ज्वाइन करेगा? बोला सर वो लड़का ना बहुत जबरदस्त है, उसको लाइफ में कुछ बनना है सर, उसका सपना बहुत बड़ा है, उसका टारगेट है कि मुझे बुलेट खरीदना है, ऐसा कुछ भी। तो मुझे पता चला इस आदमी को मुझे प्लान कैसे दिखाना है, ठीक है ना? जैसे एक प्रोस्पेक्ट आया कि सर ये मेरा दोस्त है, मैं जिसको आज लेके आ रहा हूँ मेरा दोस्त है सर, अभी पिछले महीने उसकी शादी हुई है, उसने लव मैरिज की, उसके पापा ने उसको घर से निकाल दिया, बड़ा अमीर आदमी है लेकिन अभी भाड़े के मकान में रहता है, रेंटेड हाउस में। तो उसको मुझे क्या बोलना है, करोड़पति बनना है, मर्सिडीज लेना है? नहीं, उसको बोलना है कि सर अगर हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो अगले 3 साल में आपका खुद का घर बन सकता है। वो बोला सर डन हो। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। इसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं, सस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट आने से पहले उसके बारे में आप जितना ज्यादा डेटा इकट्ठा करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान कैसे दिखाना है, ठीक है? तो आप बातचीत कीजिए, उसको कंफर्टेबल फील करें और अंदाजा लगा लीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपका प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल हो चुका है, तो आप जो है उनके साथ अपना प्लान रखिए। जैसे कि हमारे PPT में है, हमारे प्लान बुक में, हम उनको बोलते हैं कि सर चलिए आपके साथ तो बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा एक पॉइंट और है, मैं शायद बीच में भूल जाऊंगा, अप्रिशिएट कीजिए। जैसे आपने बोला भाई साहब आप जॉब करते हैं कि बिजनेस? बिजनेस करते हैं। क्या बात है सर, हाथ मिलाइए। सर आज मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूँ जो बिजनेसमैन है, जिसको अपने ऊपर ज्यादा विश्वास। तो वो थोड़ा फूल जाएगा ऐसे, बोला हाँ चलो भाई बिजनेसमैन है। थोड़ा थोड़ा फुलाना, नो प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा फुलाने से कोई प्रॉब्लम, इतना ज्यादा मत फुलाओ कि गुब्बारा फूट जाए, ठीक है ना? हर चीज का एक माप होना जरूरी है। अच्छा उसने बोला मैं जॉब करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। कहाँ पे? बोला सर मैं तो सरकारी जॉब करता हूँ, SBI में मैनेजर हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, देश की सबसे बड़ी ब्रांच है उस पर आप मैनेजर है, बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट किया, ठीक है ना? तो अप्रिशिएट किस बात को लेके करना है, उस चीज का भी आपको अंदाजा होना। जैसे मान लीजिए बुलेट लेके प्लान देंगे, सर बाइक आपकी बहुत ही शानदार है, ये बाइक तो बढ़िया बाइक है सर, वाह सर मजा आ गया, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तो कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उसको नीचा दिखाने की ट्राई कर। बोला वो नीचा देखेगा तो हमारा बात सुनेगा? अरे सुनेगा नहीं भाई, वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं और कसम खा लेगा कि आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं, ठीक है? एक और चीज आप कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र है, अगर आप करते हैं तो, मैं इसको अक्सर करता हूँ प्लान में, पूरे प्लान में कम से कम एक या दो बार बोले कि I am 100% एग्री विथ यू, I am 100% एग्री विथ यू, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं आपकी बात से 100% सहमत। फिर बात कुछ भी हो, छोटी बात हो, आप उसकी बात से सहमत हो जाए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में वो आपकी बात से सहमत हो, तो आपको उसकी बात से सहमत होना, ठीक है ना?
उसके बाद जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो एक माइंडसेट लेके जाइए कि भाई मेरा काम प्लान दिखाना है, जुड़ना नहीं जुड़ना उसका काम, ठीक है। तो प्रोफेशनल बनना है हमको। उसने बोला सर मुझे ज्वाइन करना है, वेरी गुड सर, मोस्ट वेलकम। उसने बोला सर मुझे नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी सर, मैं आपके आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ सर, क्या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आपको दिक्कत क्या है, आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं करना है। तो वहां से एक डिस्कशन स्टार्ट हो, ठीक है ना। लेकिन आपको दुखी नहीं हो जाना है, क्योंकि अगर आप लोगों को ज्वाइन कराने के लिए गए अक्सर आप फेल हो जाओ, अगर आप लोगों को ज्वाइन कराने के लिए गए अक्सर आप फेल हो जाओगे। मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि माई रिचार्ज में पैसे वो नहीं कमाता जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आता है, माई रिचार्ज में पैसे वो कमाता है जो सीखने के लिए आता है। जो सीखने के लिए आता है उसको पैसा ऑटोमेटिक आता है, उसका फोकस जहाँ पे सीखने पे। तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं ना, आपके दिमाग में ये चीज घूमनी नहीं चाहिए, जुड़ेगा कि नहीं, ये जुड़ेगा कि नहीं, ये जुड़ेगा कि नहीं, ये हाँ बोलेगा ये ना बोलेगा, क्योंकि ये प्रेशर आपके प्लान दिखाने की स्किल को खत्म कर, आपके अंदर ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि आप उसको अच्छे से प्लान नहीं दिखा पाएंगे। आप अपने दिमाग में एक माइंडसेट रखें कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, जुड़ना नहीं जुड़ना इसके हाथ में है, मैं अपना बढ़िया तरीके से प्लान दिखाऊंगा, एकदम खुश बढ़िया होकर प्लान। बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, दुनिया सीरियस लोगों को पसंद नहीं करती। अगर आप सीरियस होकर बात करोगे, बहुत ज्यादा गंभीर होकर बात करोगे, लोग आपकी बात को सुनना नहीं चाहते, लोग किसी की भी बात को सुनना नहीं चाहते। राज बब्बर साहब थे, राज बब्बर साहब बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे हीरो थे, उनके पिक्चर हमेशा फ्लॉप जाते थे। तो मेरी बड़ी बहन को बोला इसका पिक्चर, बोला इसका पिक्चर कभी मत देखो, ये हर पिक्चर में रोता रहता है, वो रोते रहता है, उसका पिक्चर ही मत देखो। तो लोग नहीं पसंद करते, ठीक है ना, लोग हंसते हुए चेहरे को पसंद करते हैं, लोग खुश लोगों को पसंद करते हैं। तो उस रूप में हमको वहां पर बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना जरूरी है, एक अच्छा पेन, अच्छे पेपर, प्लान की बुकलेट, प्लान और हमारे लिफलेट हो सकते हैं, ब्रोशर हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकते हैं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास प्रोडक्ट्स होने जरूरी है। मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं कि अगर आपके पास 20,000 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपके पास 20,000 रुपए का प्रोडक्ट अपने पास नहीं है, तो आप मुझसे 1,00,000 रुपया कमाने की बात ही मत करो, मुझसे बात ही मत करो कि आपको 1,00,000 रुपया कमाना है। आपको हर महीने 1,00,000 रुपया कमाना, और आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट नहीं है, 20,000 का प्रोडक्ट नहीं है। ये सवाल पूछो खुद को कि मेरे पास 20,000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है कि नहीं, मेरे पास शॉपी है कि नहीं, क्विक शॉप है कि नहीं मेरे पास। आपके पास क्विक शॉप कंपलसरी है। अगर आपके पास, लिखिए अपनी डायरी में, अगर मेरे पास 20,000 रुपया निवेश करने का ताकत नहीं है, तो मुझे 1,00,000 रुपया का सपना देखने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन दवाई हमेशा कड़वी होती है दोस्त। मेरे पिता मुझे कहते थे कि जो मीठी चीज खाते हैं ना, वो पेट में जाके कड़वा असर करती है, और जो कड़वी चीजें खाते हैं ना, वो पेट में जाके मीठा असर करती है। ये कड़वी बात। अगर आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट नहीं है, तो आज के दिन में पहला काम कीजिए कि आपके पास 20,000 का, उससे क्या है कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवरी की तो कोई प्रॉब्लम ही खत्म होगी ना। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपकी टीम में 5 लोगों के पास 20,000 का प्रोडक्ट होना शुरू हो गया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी इनकम 2 से 3 गुना हो जाएगी, अगले 3 महीने जंप कर जाएगी आपकी इनकम। ये मास्टर सॉल्यूशन है आपकी इनकम को जंप कराने का। अपनी टीम में लोगों के पास कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट होना चाहिए। सारी दुनिया भर की बीमारियों का सोल्यूशन हो गया, ये दुनिया भर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। और 20,000 इतना बड़ा लगता है, तो एक बार बैठने की जरूरत है खुद के साथ, एक बार सोचने की जरूरत है, एक बार आईने में देखने की जरूरत है। अरे इन चीजों में टाइम बर्बाद मत करो, जो काम आप कर सकते हो ना, उसको तो अभी कर दो। 20,000 का प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए, फिर देखिए आपके प्लान में कितना दम होता है। आप ऑन द स्पॉट लोगों को ज्वाइन कराओगे, ऑन द स्पॉट लोगों को प्रोडक्ट भी देंगे, तो आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान दिखाने के लिए सही जगह होना जरूरी है। कोशिश कीजिए, अगर आपने अपने लोगों की डायरी दिलवाई है, अगर आप उनके साथ बैठ के लिस्ट बनाते हैं, अगर आप उनको कांटेक्ट करना सिखाते हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस कराते हैं, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, अगर आप एक शानदार लीडर है, तो आपको कभी भी लोगों की कमी नहीं होगी कि सर हमारे तो प्लान ही नहीं हो रहे, इसीलिए हम चले जाते हैं, रोड पे बैठ के भी दिखा देते हैं, क्योंकि प्लान ही नहीं हो रहे। क्यों प्लान नहीं हो रहे? क्योंकि हम लोगों को लिस्ट नहीं बनवाते, हम लोगों को कॉन्टेक्ट करना नहीं सिखाते, हम लोगों को उसकी प्रैक्टिस नहीं कराते। अगर वो चीजें हम करेंगे तो आपके यहाँ पे हरियाली रहेगी, कभी सूखा पड़ेगा, ठीक है। तो प्लान को अच्छे से पहले से प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए मीटिंग सेट कीजिए, और सही जगह पे प्लान दिखाइए। जब प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखें, अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखें, अपने ग्रूमिंग का ध्यान रखें, खाते खाते प्लान ना दिखाए, कुछ चबाते चबाते बातचीत ना करें, बीच में कोई चाय समोसा ना खाए,
बढ़िया तरीके से। आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक व्यक्ति को अगर अच्छे तरीके से प्लान नहीं दिखाते तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप। वासुदेव जी बोलते हैं मुझे करोड़ों रुपया आया, अगर वासुदेव जी को किसी ने अच्छे से प्लान नहीं दिखाया होता, वासुदेव जी का ईगो हट कर दिया होता, तो उनकी जिंदगी में उनके पूरे परिवार में जो एक क्रांति आई है, जो एक परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन ना आया होता। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति की जिंदगी और उसके परिवार से वो परिवर्तन छीनने का, हमें कोई भी राइट नहीं है। इसीलिए वेल प्रिपेयर्ड होके, अच्छे से होके आप जो है प्लान दिखाए। लास्ट में एक चीज कहूंगा, मानसिक गरीबी को खत्म कर दीजिए। सर मैं कहाँ से लाऊंगा टाई, सर 20,000 अभी तो हमारे पास नहीं है। मानसिक गरीबी है, क्या है मानसिक गरीबी? मेंटल पॉवर्टी। जब तक ये है तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसको खत्म करना पड़ेगा। दिमाग से अमीर बन, दिमाग से अमीर बनना बहुत ज्यादा जरूरी। यस अभी जो है, लेकिन मैं तो भाई अमीर बनूंगा, मैं तो पैसा कमाऊंगा। अगर पैसा कमाना कोई साइंस है तो मैं साइंटिस्ट बनूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेके आना है। समय ज्यादा हो चुका है दोस्तों, माफी चाहूंगा आपके 5 मिनट के लिए, लेकिन टॉपिक ये शानदार है, हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर और भी बातचीत करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें आपने सीखी है उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एमडी सर कहते हैं कि नॉलेज नेवर क्रिएट्स रिजल्ट्स बट अप्लाइड नॉलेज क्रिएट्स रिजल्ट्स। जो चीज हम अप्लाई करते हैं वो हमेशा रिजल्ट क्रिएट करके लाता है। तो लास्ट में एक छोटी सी एक बात कहूंगा, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, क्योंकि भेंदांग सर ने कहा कि अच्छे से शुरुआत और अच्छे से अंत। एक भाई साहब बस में कंडक्टर बने, दुबला पतला सा आदमी। अब पहले दिन कंडक्टर बना तो सबको बोला टिकट 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 टिकट, तो दो लोग एकदम बॉडी बिल्डर बैठे थे, बोले भाई साहब टिकट। तो बॉडी बिल्डर बोलता है, ऐसे देख के बोलता है, हम टिकट विकेट नहीं लेते। ये आदमी का ईगो हर्ट हो गया, यार क्या बात है, कंडक्टर से ऐसे बात कर रहा है, लेकिन बॉडी बिल्डर है, एक चपेट मार देगा तो बेहोश हो जाऊंगा। कुछ बोला नहीं बेचारा, चला पूरी रात नींद नहीं आया, पूरी रात पूरा आत्मसम्मान ठेस पहुंच गया उसका। दूसरे दिन बोलता है टिकट, बोला हम टिकट नहीं लेते। तीसरे दिन, चौथे दिन इसको पूरा लग गया कि अगर मुझे नौकरी करनी है तो मुझे इनको जवाब दे। उसने जिम स्टार्ट किया, प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, 3 साल 4 साल सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे मेहनत किया, मेहनत करके जबरदस्त बॉडी बनाई, उससे भी जबरदस्त बॉडी बनाई। बोला आज आने दो उसको, आज कैसे नहीं लेते टिकट। और वो आया, टिकट 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 टिकट। वो बॉडी बिल्डर के पास जाकर बोलता है, भाई साहब टिकट। बोला हम टिकट विकेट नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते टिकट? पास बनवा के रखा है ना इसीलिए। क्यों नहीं खरीदते? पास बनवा के रखा है। बोला भाई 4 साल पहले बोल देता था, पास बनवा के रखा है, 4 साल से मैं परेशान हूँ और इस परेशानी में इतनी बॉडी बिल्ड हो गई। देखो तो जब भी कोई सवाल पूछो तो पूरा पूछो, अधूरा ना पूछो, इंफॉर्मेशन पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।